जय श्री कृष्णा। गीतादान गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज क्लास 12th आर्ट का राजनीति विज्ञान का भाग ब दिनांक 5 जनवरी 2021 अध्याय 13 संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं विश्व शांति निष्ठा। संयुक्त राष्ट्र को पढ़ने से पहले हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि यूएनए की स्थापना का कहां जरूरत पड़ी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति की स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। जब राष्ट्र संघ की स्थापना की तो राष्ट्र संघ पर अमेरिकी प्रभुत्व था। अमेरिकी प्रभुत्व था, क्या था? प्रभुत्व था, जिसकी वजह से राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। अनुच्छेद है, क्या है? अनुच्छेद है जिसमें
हैं इसके संगठन कार्यों शक्तियों और उद्देश्यों उद्देश्यों के बारे में विवरण दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य क्या रखा गया या उद्देश्य क्या रखा गया, उद्देश्य या लक्ष्य क्या रखा गया। उद्देश्य और लक्ष्य में पहला है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए जो पहला लक्ष्य रखा गया है वो था विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाना और तो दूसरा मैंने जो तृतीय विश्वयुद्ध है या जो भी युद्ध है उसको मानव के मूल अधिकारों को सभी के लिए समान रूप से एकत्रित करना, मानव अधिकारों की रक्षा व लागू। तीसरा जो लक्ष्य रखा गया था सामाजिक उन्नति और लोगों का जीवन स्तर बेहतर करना, सामाजिक उन्नति और लोगों का जीवन स्तर, सामाजिक उन्नति व जीवन स्तर बेहतर करना, ये इसके कार्य उद्देश्य लक्ष्य रखे गए। क्या रखे गए? ये इसके लक्ष्य रखे गए। अब उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या रखे गए हैं? तो पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा जो रखा गया है वो रखा गया है इसका समस्त प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना। तीसरा है समान अधिकारों के लिए आदर और मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, समान अधिकारों के लिए आदर व मित्रता पूर्ण संबंध स्थापित करना ये जो इन चीजों के लिए उनका उद्देश्य रखा गया। अब संयुक्त राष्ट्र ने अपने कुछ सिद्धांत भी बनाए रखे हैं, इन सिद्धांतों पर चलकर कार्य करना है। तो पहला सिद्धांत इन्होंने जो रखा है यूएनओ के सिद्धांत, यूएनओ के सिद्धांत पहला सिद्धांत रखा गया है वो है सभी सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, सभी सदस्य देश जो इसके सदस्य हैं उन देशों की है जो संप्रभुता सेवर्टी है उसका सम्मान करना, सदस्य देशों के मध्य झगड़ों को
सदस्य देशों के झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा फिर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी भी देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करना, किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। ये सारी चीजें इन सदस्य राष्ट्रों के बीच हैं, उन्हें चाहिए इन सदस्यों को। अब संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कौन ले सकता है? तो वे सभी शांतिपूर्ण देश जो चार्टर में दिए गए दायित्व और नैतिक बंधनों को मानते हैं संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो सकते हैं। अब है संयुक्त राष्ट्र में सदस्य कौन होंगे? सदस्य कौन होंगे? सदस्य कौन है? वे राष्ट्र जो चार्टर को मानते हैं नैतिकता के साथ। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र में किसी भी देश की सदस्यता सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा प्रदान की जाती है। सुरक्षा परिषद द्वारा की अनुशंसा द्वारा प्रदान दी जाती है। तीसरा है यदि कोई राज्य संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों का बार बार उल्लंघन करता है तो उसकी महासभा द्वारा निकाला भी जाता है। और वर्तमान में है जो सदस्य यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य हैं। कितने हैं? 193 देश सदस्य हैं और अंतिम राष्ट्र है वो है आपका मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो राष्ट्र है वो जो 2000